गुड मॉर्निंग डियर क्लास टू स्टूडेंट, वी आर इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एंड वी आर लर्निंग लेसन 8, द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर। हम बड़े भालू और छोटे भालू की कहानी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि ग्रीस में एक खूबसूरत सी औरत रहती थी, उसका नाम कैलिस्टो था। उसको एक लड़का था, उसका नाम आर्कस था। वह अपने बच्चे को देख करके और उसके साथ खेल करके बहुत ही खुश रहती थी, लेकिन यह खुशी उसकी ज़्यादा दिन तक नहीं रही क्योंकि बहुत सारे लोग उससे जलते थे। और उसने एक बार देवी से जाकर शिकायत की कि आपको कैलिस्टो कहती है कि मैं देवी से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। इस पर देवी को बहुत ही गुस्सा आया और उसने उसे शराप दिया, जिसकी वजह से वो भालू बन गई। और फिर उसको जब ही वो भालू बनी तो जंगल में रहती थी, तो एक बड़ा सा भालू, बड़ा सा काला सा भालू उसके बेटा आर्कस की तरफ दौड़ा, तो उस जिससे वो बहुत तेज़ डर से बहुत तेज़ चिल्लाई। तो उतने में ही एक खूबसूरत परी आकर के उसके बेटा आर्कस को ले लिया। अब वो कैलिस्टो बहुत ही ख़तरनाक लगती थी देखने में, लेकिन वो फिर भी वो बहुत ही प्यारी और नेक थी। वो डरी रहती थी जंगली जानवर और भालू से, इस वजह से वो वहाँ पर से जो जंग शिकारी थे और कुत्ते थे उन सबको भगा दिया और अपने से दूर कर दिया। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। एट फर्स्ट द बियर वुड गो टू द हट वेयर हर सन लिव्ड विद द वुड फेयरीज। अब जब वो भालू बन गई और उसके बाद अपने पास से सारे शिकारी और कुत्ते को भगा दिया, तो सबसे पहले वो अपने बेटा के पास गई जो कि जंगल की परी के पास था। She wanted to look at her son as he slept in his little bed. वो अपने बेटा को देखना चाहती थी जो कि एक छोटे से बिस्तर में सो रहा था। After some days, the bear could not go near the hut. कुछ दिनों के बाद वो भालू उस घर के पास, उस झोपड़ी के पास नहीं जा सकती थी क्योंकि men and dog wanted to kill her, क्योंकि वहाँ के जो मर्द और कुत्ते थे उसे मारना चाहते थे। सो सी वेंट फार अवे एंड हाइड हर सेल्फ इन ए थिक फॉरेस्ट। इसलिए वह बहुत ही दूर चली गई और अपने आप को एक बहुत ही घने जंगल में छुपा लिया। डेज वीक्स मंथ्स केम एंड वेंट अवे, द सीजन चेंज, द बियर लिव्ड अलोन एंड लोनली। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे और ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने, साल आते रहे, सीजन बदलता रहा और वो भालू अकेली उदास रहती थी। वन विंटर नाइट सी ड्रीम्ड ऑफ आर्कस, एक जारे की रात उसने आर्कस का सपना देखा। सी लॉन्ग्ड टू सी हिम अगेन, उसे फिर से देखने की ख्वाहिश हुई। She decided to go and see him in a spring. उसने फैसला किया कि वो बसंत में, स्प्रिंग में अपने बेटा को देखने जाएगी। वो वहाँ जाएगी। अब स्प्रिंग केम, स्प्रिंग आ गया, वसंत आ गया। द बियर मेड द लॉन्ग जर्नी टू सी हर सन, और भालू बहुत ही लंबा सफ़र करके गई अपने बेटा को देखने। वन इवनिंग द बियर वॉज वंडरिंग इन ए वुड, एक शाम जब भालू जंगल में घूम रही थी, सडनली शी सॉ ए हैंडसम यंग हंटर, अचानक उसने एक बहुत ही खूबसूरत जवान सा शिकारी देखा। ही वॉज गोइंग टू शूट एन एरो एट ए बर्ड सिटिंग ऑन ए ब्रांच, वह अपनी तीर एक चिड़िया पर लगाना चाह रहा था जो कि डाली, पेड़ की डाली पर बैठी थी। इट वॉज आर्कस हर सन,
ये कौन था? कैलिस्टो का बेटा आर्कस था। द एरो मिस्ड इट्स मार्क, एरो तीर अपना निशान चूक गया। द बर्ड फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई। सडनली आर्कस फेल्ट डेट समवन वाज वॉचिंग हिम, अचानक आर्कस को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ही टर्न एंड सॉ ए ह्यूज ब्लैक बियर स्टेयरिंग एट हिम, उस जैसे ही वो घूमा देखता है कि एक बड़ा सा काला भालू उसे घूर रहा है। ही वॉज अफ्रेड द बियर वुड किल हिम, उसे डर हुआ कि भालू उसे मार देगा। सो ही पुट एन एरो इन हिज बो एंड किल इट, इसलिए उसने अपने तीर पर एक कमान चढ़ाया इसे मारने के लिए। द बियर वॉज साइलेंट, भालू बिल्कुल खामोश था। इट कुड नॉट मूव, ये जरा भी हिल डोल नहीं कर रही थी। देन समथिंग हैपेंड विच यूनाइटेड मदर एंड सन फॉरएवर, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये इसे हमेशा माँ और बेटे को हमेशा के लिए एक दूसरे से मिला दिया। जुपिटर द फादर ऑफ आर्कस, जुपिटर जो आर्कस का फादर है, लुक डाउन फ्रॉम हिज पैलेस, वो अपने महल से नीचे देखता है। ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही सॉ, उसे बहुत ही दुखी था जो उसने देखा। हिज सन वॉज गोइंग टू किल हिज मदर कैलिस्टो, के उसका बेटा कैलिस्टो अपनी माँ को मारने जा रहा है। जुपिटर स्वेप डाउन, जुपिटर नीचे को आया, स्नैच्ड कैलिस्टो, कैलिस्टो को बहुत तेजी से खींचा। द ह्यूज ब्लैक बियर एंड फ्लंग हर इन टू द नाइट स्काइज, और उसे अंधेरी रात में आसमान में छुपा दिया। उसने वो जो बड़ा सा भालू था कैलिस्टो, उसे बहुत तेजी से खींचा और उसे आसमान के अंधेरे में फेंक दिया। देन ही ग्रैब्ड आर्कस एंड फ्लंग हिम टू इन टू द डार्कनेस ऑफ द नाइट स्काई, और उसके बाद फिर उसने आर्कस को पकड़ा और उसने उसे भी अंधेरे आसमान में फेंक दिया। आर्कस बिकेम ए लिटिल बियर नेक्स्ट टू हिज मदर, आर्कस अब छोटा सा भालू बन गया अपनी माँ के बाद, वो भी एक छोटा सा भालू बन गया। द टू बियर्स चेंज इन टू स्टार्स, और दोनों भालू स्टार में चेंज हो गए। कैलिस्टो इज नोन एज द ग्रेट बियर, कैलिस्टो बड़ा भालू के नाम से जाना गया। एंड आर्कस इज नोन एज द लिटिल बियर, और आर्कस छोटा भालू के नाम से जाना गया। इफ यू लुक अप एट द नाइट स्काई यू कैन सी द शेप ऑफ द टू बियर्स आउटलाइंड बाई स्टार्स, अगर आप आसमान में देखोगे तो आपको ऐसा स्टार का आउटलाइन लगेगा कि एक छोटा भालू है और एक भालू बड़ा भालू है। तो ये कहानी थी कैलिस्टो और आर्कस की, जो दोनों माँ बेटे थे, दोनों बहुत ही खुश रहते थे, लेकिन कुछ लोग उससे हसद करते थे, जलन करते थे, जिसकी वजह से उसने देवी से शिकायत लगाई और देवी के श्राप से कैलिस्टो भालू बन गए। और उसके बाद फिर दोनों बेटा और माँ दोनों अलग अलग रहने लगे। और कुछ दिनों के बाद जब वो जाया करती थी, अब उसका बेटा आर्कस एक जंगल की परी के पास था, उसे देखने जाया करती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ जाना उसका छूट गया क्योंकि वहाँ के कुत्ते और आदमी उसे मारना चाहते थे। वो अपने आप को एक जंगल में छुपा लिया और बहुत दिनों तक, दिन साल महीने आते गए, सीजन चेंज होता रहा। एक दिन उसने अपने बेटा आर्कस का सपना देखा और फिर उसने फैसला किया कि मैं अपने बेटे को जाकर देखूँगी। और जब वो वहाँ गई, बहुत लंबा सफ़र करके गई, तो
एक शिकारी को देखा, जो एक नौजवान खूबसूरत सा नौजवान था, तो उसे देख रही थी, वो उसका बेटा था आर्कस, उसे देख रही थी। तो उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो एक शिकार कर रहा था चिड़िया का, लेकिन वो मिस कर गया। उतने में उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने देखा तो देखा कि एक भालू उसे देख रहा है बहुत गौर से, तो उसने उसे मारना चाहा। उसी वक्त जो उसका बाप जुपिटर ने उसे देखा तो उसे दुख हुआ, और वो कैरिस्टो को बहुत ही तेज खींच करके आसमान 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 में फेंक दिया। और उसके बाद फिर उसने आर्कस को भी पकड़ा और फेंक दिया आसमान में, रात के अंधेरे में फेंक दिया। और इस तरह से दोनों माँ बेटा दोनों भालू बन गए। इसका निशान आपको आसमान में आप अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा वो स्टार, दोनों स्टार बन गए। और उसका निशान इस टाइप से है कि उस आउटलाइन को अगर आप मिलाएंगे स्टार का, तो आपको एक भालू, एक बड़ा भालू और एक छोटा भालू बन जाएगा। तो ये आपकी कहानी है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मज़ा आया होगा सुनने में। इसी के साथ आज मैं क्लास स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।